मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां की बनवाई ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। हाथी दांत और सफेद संगमरमर का मकबरा दिखने में बड़ा खूबसूरत है, जिसमें पत्थर का काफी बेहतरीन काम किया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा, और हकीकत में ही नहीं, कम से कम फोटो या वीडियो में तो ताजमहल देखा ही होगा ना, और अगर नहीं तो अभी देख लिया होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है उस पर लगा एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं और फिर वो ढेर हो जाते हैं, तो फिर 1668 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका? वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ नमाक शख्स ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 में शुरू किया और 1824 में वो कामयाब हुए। पहली सीमेंट उन्होंने ही बनाई थी जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। तो फिर 1631 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था, तो फिर आखिर कैसे उसे बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक वो तटस्थ खड़ा है? क्या हुआ, सोच में पड़ गए? कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना, लेकिन वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल की कहानी ज्यादातर लोगों ने सुनी ही है कि ये शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था, और जमाने में इसे बनवाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी, और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफेद मार्बल्स हो, चाहे नक्काशियों में लगे अनोखे पत्थर हो, या इसकी कारीगरी। और आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे, लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव। अब ये बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही होगी और आप सोच भी रहे होंगे कि पागल हो गया क्या, भला लकड़ियों की नींव 370 साल से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है? पर यही सच्चाई है। चलिए हम समझाते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जी हाँ, जिस तरह से शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे है, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी इसे खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, असल में ये सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियाँ इबोनी यानी आबनूस के पेड़ की लकड़ियाँ हैं। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी पे तैरते नहीं बल्कि डूब जाती हैं। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे जरूरी बात, अगर आबनूस की लकड़ियों में परमानेंट 30% या 30 से ज्यादा नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों का यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है, और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर से भी मजबूती से जमी हुई है, और इसलिए ही ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो फिर सीमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या? चलिए, जब नींव के बारे में हमने आपको बताया है तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ एस्पिन को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था। वो सन 1811 में सीमेंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट में लग गए, और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट तो 1824 में आया था, और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, यानी करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के पत्थर? आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था, और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया था। उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे अकीक, येमेनाइट, फिरूजा, लजवाड़, मूंगा, सुलेमानी,
लेजनिया का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे तिलाई, पाइजहर, अजूबा, खाटू, मैग्नेटिस। द कंस्ट्रक्टर डॉट ओ आर जी के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा घोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। ये सलाइन, चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, राल, गोंद आदि भी मिलाए गए थे। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों, ये बात थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी, कि कोई भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और सफेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत ही नहीं, बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनार आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़ी है, और ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाएं, और इस तरह भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में अब्सॉर्ब हो जाएंगे, और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगी। और आखिर में एक बात ये भी जान लो कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे, ये महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। आपको ताजमहल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बात पता है तो हमें कमेंट करके बताइए, फिर चाहे वो सच हो या झूठ हम देख लेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।